3 बजे हादसा हुआ, हम जब सोए थे हमको पता नहीं हुआ था जब इसमें पानी अंदर आ गया। हम पानी निकाल रहे थे मगर फिर इसमें पानी ने नहीं माना, फिर पूरा सामान वामान एक साइड में गया, पूरा जो सामान हमारा था वो भी नीचे गया, हर कोई चीज़ पूरा वो डूब गया। और अभी हम सड़क पे यहाँ पर रह रहे, कोई मदद नहीं, गवर्नमेंट ने खाली एक टेंट दे दिया हमको इधर रहने के लिए। हाँ गवर्नमेंट ने बताया, अभी बताया 1 महीना लगेगा 2 महीना लगेगा, मगर अभी डेडी मेरा भी गया वहाँ DC office, VC office, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई मदद नहीं हुआ। शाम को अचानक हो गया 3:30 बजे पानी आ गया इसके अंदर, पता नहीं चल गया 3:30 बजे, पूरा शाम था हम सोए थे ऐसा, सब डूब गया हमारा, सब अभी सामान वामान पूरा बोट के अंदर सब डूब गया, सब खराब हो गया, कुछ नहीं बचा, हमको अंदर के कपड़े भी नहीं बचा, खाली जो NGO चलाता है उसने खाने पीने का सामान हमको दे दिया और कुछ नहीं दे दिया। नुकसान हमारा बहुत है, नुकसान का कोई शुमारा नहीं है कितना नुकसान हो गया, उससे कम नुकसान हमारा 10-12 लाख का 15 लाख का नुकसान हो गया खाली बोट का, बाकी जो बाहर का नुकसान है वो तो अपने कपड़े खाने पीने का सामान बर्तन वर्तन वो पूरा गया, खाली मैं बोट का बोल रहा हूँ 10-15 लाख रुपया इसका हो गया। हम 7 मेंबर्स हैं और बच्चे भी 3 हैं, और क्या बोल रहे हैं, बहुत ठंड लग रहा है शाम को हमको इस टेंट में, कोई नहीं आया, खाली DC office में एक बंदा आया, उसने नाम वाम लिखा, बाकी कुछ कार्रवाई नहीं किया अभी ना कुछ प्लाट। पिछले साल 2005 में सबको प्लाट दिया गया और मेरे डैडी को उस टाइम भी प्लाट नहीं दे दिया, वो प्लाट भी खा लिया, तब से हम उस फाइल को लड़ रहे हैं 2005 से, अभी तक कोई प्लाट नहीं दे दिया। मेरा पापा जो चाय बेचता है रेले पे, मैं भी थोड़ा ये मजदूरी वजदूरी कहीं देखता हूँ वही का, बचपन से हम 20-25 साल हो गए हमको, बहुत साल हो गए। हाँ मेरा वालिद भी इधर इसी में रहता है, मैं गवर्नमेंट से अपील है हमको रहने के लिए जगह चाहिए बस, और यही गुजारिश है हमको गवर्नमेंट से, हमको रहने के लिए जगह चाहिए, वही मेहरबानी होगा गवर्नमेंट।